네, 목사님. 교육적으로 나는 천국 시민권자이다라는 말씀으로 말씀 나눕니다. अभी हम इस बारे में सीख रहे थे कि मैं आसमानी शनाख्त रखता हूँ, नेशनलिटी है मेरे पास।우리가 예수를 믿는 이유는 구원을 받기 위해 예수를 믿는다고 말씀드렸어요. जी, यीशु मसीह पर ईमान लाने का मकसद हमने सीखा है कि क्यों उस पर मैं ईमान रखता हूँ।구원의 의미는 과거의 문제, 현재의 문제, 미래의 문제가 내가 해방받은 겁니다. मैं इसलिए उस पर ईमान रखता हूँ क्योंकि वो मेरा निजात दहिंदा और उसी के वसीला से मेरे माजी के गुनाह, हाल के गुनाह और मुस्तकबिल के गुनाह माफ होते हैं।이 구원은 오직 예수 그리스도의 십자가와 부활을 내가 믿는 겁니다. निजात लाने का मतलब यह है कि मसीह ने स्लीप पर मेरे लिए जान दी और वो दोबारा जी उठा और आसमान पर चला गया।내가 이 예수 그리스도를 내 마음에 영접하고 입으로 고백할 때에 나는 하나님의 축복을 누릴 수 있는 사람이 되는 거예요. और मसीह पर ईमान लाने का मतलब यह है कि मैंने उसे कबूल किया और उसके वसीला से मैं उसका फर्जंद बन गया हूँ।그래서 이 구원은 하나님의 선물이다라고 말씀드렸습니다. और निजात के बारे में हमने सीखा कि उसका फजल है और उसने तोहफा हमें दिया여러분, 이렇게 예수 그리스도를 영접한 사람은 마귀의 자녀가 아닌 하나님의 자녀가 된 거예요. और निजात हासिल करने के बाद हम शैतान के बेटे और बेटियां नहीं रहते, बल्कि खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं।우리가 아까 전에 읽었던 말씀처럼 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 말씀하십니다. 요한나 की अंजील उसका एक बाब उसकी 12 आयत में हमने ये देखा था कि जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, जब उसको कबूल कर लेते हैं, तो여러분, हम이 उसके하나님의 फजान बन जाते자녀만이 천국의 시민권을 가진 거예요. और यही वो लोग हैं जो खुदा की बादशाही को हासिल करते हैं, उसकी शनाख्त को हासिल कर लेते हैं।예수님께서는 누가복음 10장에 이렇게 말씀하십니다. 지 루카 की अंजील우리 Gospel of Luke chapter 10 verse 누가복음 20. 10장 20절이에요, 20절. 루카 की अंजील उसका 10 बाब 20 आयत में हम देखते हैं। लूका की अंजील 10 बाब 20 आयत, लूका की अंजील 10 बाब 20 आयत मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। तो भी इससे खुश ना हो के रूहें तुम्हारे ताबिया हैं, बल्कि इससे खुश हो के तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। आमीन।예수님께서 제자들에게 지금 말씀하시는 겁니다. 예수 मसीह अपने शागिर्दों से ये बात कर रहे हैं। 제자들이 전도하러 나갔을 때에 많은 귀신이 떠나가는 것을 목격합니다. 제자들이 전도하러 나갔을 때에 귀신이 떠나가는 것을 다시 말씀하세요, 목사님. 제자들이 전도하러 나갔을 때에 전도할 때 귀신이 떠나가는 것을 목격하게 돼요. यहाँ पे हम देखते हैं कि मसीह ने अपने शागिर्दों को कलाम की खुशखबरी फैलाने के लिए भेजा है, और वो ये आके बताते हैं कि कलाम करने के वसीला से बहुत सारी बदरूहें दूर भागती हैं, निकल जाती हैं।그래서 제자들이 예수님께 와서 예수님, 내가 전도하니까 귀신이 떠나갔어요 라고 막 얘기를 하는 거예요. और शागिर्द बड़े फखर से आके अपने उस्ताद को यीशु मसीह को बताते हैं कि मसीह, जब हमने दुआ की तो तेरे नाम से बहुत सारी बदरूहें दूर भागना शुरू हो गई।그때 예수님께서 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 마라고 말씀하셨어요. और यीशु मसीह ने तब उनसे ये बोला कि इस बात पर फखर ना करो कि बदरूहें तुम्हारे ताबिया हैं।너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 라고 예수님 말씀하십니다. वहां पे मसीह ने बोला कि बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं,여러분, 이게 바로 기쁨의 비밀입니다. और यही जो है हमारे पास एक सीक्रेट है खुश होने का।세상에 불신자들은 좋은 일만 있을 때만 기뻐하고 나쁜 일이 있을 때만 슬퍼하죠.
जितने भी लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं वो अच्छा काम होने के वसीला से खुश होते हैं, लेकिन जब बुरा काम होते हैं तो वो गमगीन हो जाते हैं। 그런데 하나님의 자녀는 항상 기뻐해야 돼. लेकिन खुदा ने हमें कहा है कि हमें हमेशा खुश रहना। 아, 바울도 항상 기뻐하라고 말씀하시잖아요. पालूस रसूल भी हमें बार बार कहता है कि हमेशा खुश रहो। 근데 항상 기뻐할 수 있는 이유가 뭐예요? हमेशा खुश रहने का मकसद क्या है? 아, 우리의 이름이 하늘나라의 생명책에 기록됐다는 거예요. उसका मतलब यह है कि हमारे नाम जो है वो आसमान पर लिखे हुए हैं। 하나님의 자녀로서 여러분들의 그 이름이 하늘나라의 구원의 책, 천국의 책, 생명책에 기록됐다는 것을 기뻐하라는 거예요. क्योंकि हमारे नाम जो है वो आसमान पर लिखे हुए उनके पाक किताबों में लिखे हुए हैं, जिसका जिक्र हमें किताबों मुकद्दस में मिलता है, इसलिए हमें खुश होना चाहिए। 여러분, 바울은 복음을 증거할 때에 여러 가지 어려움을 당했어요. पौलुस रसूल जब इवेंजलिज्म करता था तो बहुत सारी मुश्किलात उसके उसको पेश आईं। 감옥에도 많이 갇히고 매도 많이 맞고 죽을 일도 많이 있었습니다. बहुत सारी उसने गालियां खाई, उसको मारा गया और मौत तक उसने देखी, मौत को करीब से देखा उसने। 그런데 바울은 항상 기뻐하고 감사했어요. लेकिन पालूस रसूल हमेशा खुश होता था और खुदा का शुक्र करता रहता था। 어떻게 그럴 수 있을까요? कैसे ये सब कुछ हो सकता है? 사도 바울, 바울이라는 이름이 하나님 나라의 생명책에 기록된 걸 확실히 믿었기 때문이에요. क्योंकि वो इस बात पर यकीन रखता था कि मेरा नाम किताबे मुकद्दस में मिलेगा, किताबे हयात में मिलेगा। 여러분, 기쁨의 근원은 구원임을 기억해야 돼요. 기쁨의 본질이 구원임을 기억해야 돼요. खुशी हासिल करने का मतलब यह है कि जो निजात खुदा ने हमें दी है उस पर ईमान हमने रखना। 여러분, 우리의 환경과 우리의 상황 가운데 기쁨을 찾지 마시고 내가 정말로 예수 믿고 하나님 자녀 구원받은 것에 우리는 기뻐하고 감사하셔야 된다. 아픈의 아스파스 खुशियों को तलाश ना करें बल्कि इस बात पर ईमान रखें कि खुदा ने अपने प्यारे बेटे हमारे निजात देने के लिए इस दुनिया में भेजा और वही हमारे। 자, 그러면 이렇게 하나님의 생명책에 자기 이름이 기록된 것을 알았던 사람이 성경에도 있습니다. और इस बात का सबूत हमें मिलता है कि बहुत सारे ऐसे नबी हैं जो किताबे हयात में अपना नाम ढूंढ सकते हैं। 자, 그래서 여섯 번째는 생명책에 기록된 것을 알았던 사람들 몇 명을 소개하고자 합니다. 아, 지금 यहां पे मैं ऐसे लोगों के बारे में बताता हूं जिनका नाम किताबे हयात में मिलता है। 가장 먼저는 모세라는 사람이 있습니다. 모세. सबसे पहले हम मूसा के बारे में देखते हैं। 우리 성경 출애굽기를 보겠습니다. 출애굽기. 이제 किताबे मुकद्दस में से हम देखेंगे एक्सोडस। 출애굽기 32장 32절이에요. 이제 एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 32. Exodus chapter 32 verse 32, खरूज की किताब 32 बाब उसकी 32 आयत। Exodus chapter 32 verse 32, Exodus chapter 32 verse 32, आप माइक ऑन करके पढ़ सकते हैं, उनको पता हो कि आप सीख रहे हैं। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। आमीन। ये मूसेदो 하나님이 기록한 책을 알았어요. 이름이 기록된 책. 모세도 자기 이름이 기록된 책을 알았습니다. 생명책이죠, 그게. 조사님? 예, 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 목사님. 네, 모세도 자기 이름이 생명책에 기록된 걸 알았습니다. और मूसा भी अपने बारे में जानता है, उसका जो नाम है वो किताबे हयात में लिखा हुआ है। 다윗도 알았어요, 다윗도.
डेविड भी इस बारे में जानता था। 시편 69편입니다. 시편 69장. 시편 69장이에요. 시편 69장 28절. 오케이. 이제 Psalm 69 verse 28 में हम देख सकते हैं। उर्दू में भी बता दें, उर्दू में। जी जी, ज़बूर, ज़बूर 69 verse 28, ज़बूर 69 verse 28, ज़बूर 69 उसकी 28 आयत। जी पास्टर साहब आप पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ते। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मुझे सामर्थ मिले, हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया। नहीं सिस्टर, सॉरी, आप गलत पढ़ रहे हैं। साम जो है, साम, साम 69 वर्स 28। ओके सर। उसके नाम किताबे हयात से मिटा दिए जाएं और साथों के साथ मुदरजा ना हो। आमीन। आमीन। ये दाविदन संगमचिनी इतना का आराच्चो। हाँ जी, यहाँ पे देखते हैं कि डेविड भी जो अपने बारे में जानता है कि उसका नाम किताबे हयात में दिखा है। दानियल इरान सारांद संगमचिनी इतना का आरास्मित। जी दानियल के भी बारे। दानियल से 12 चौथी। देखते हैं उसका नाम भी क्या किताबे हयात में। दानियल से 12 दानियल चैप्टर 12, दानियल की किताब उसके 12 बाब में से। दानियल चैप्टर 12, सिस्टर आप देख सकते हैं दानियल चैप्टर 12। जी जी, दानियल चैप्टर 12 ने शिप एजान इल्चर। हाँ जी, दानियल चैप्टर 12 वर्स 1। 12 यस, चैप्टर 12 वर्स 1। मुबारक है वो जो 1000। दानियल चैप्टर 12 है, दानियल चैप्टर 12 वर्स 1। अच्छा, वर्स 1। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो 13 जाति भाइयों में का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। आमीन। दानियल도 책에 기록된 모든 자가 구원을 받을 것이란 걸 알았습니다. 이제 यहां पे देख रहे हैं कि दानियल को भी पता है कि जितनों ने भी निजात हासिल किए उनके नाम किताबे हयात में मिलेंगे। 구약 성경의 마지막에 기록된 말라기서에도 말라기 선지자도 알았어요. 이제 यहां पे 말라기 3장 टेस्टामेंटम देखते हैं, लास्ट बुक जो है मलाकी की, उसमें भी हम देख चैप्टर 3 वर्स 16 मलाकी। ओके, चैप्टर 3 वर्स 16 मलाकी 3 बाब 16 आयत। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उसकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। आमीन। ओ, 우리 사도 바울도 생명책이 있다는 걸 알았어요. 빌립보서 4장 3절입니다. Philippians
चैप्टर फोर वर्स थ्री में हम देखते हैं, फिलिपियों चैप्टर फोर वर्स थ्री, फिलिपियों चार बात तीन आयत, फिलिपियों चार बात तीन आयत, फिलिपियों चार बात तीन आयत में हम देख सकते हैं, फिलिपियों चार बात तीन आयत। चार बात तीन आज कोई भी पढ़ दे। हे बच्चे, सहकर्मी मैं मुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में फिलेम्स और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आमीन 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 आमीन। माजिमागुरो 요한도 생명책이 있다는 걸 알았다는 것을 우리는 성경을 통해 확인하겠습니다. 요한 계시록 3장 5절입니다. 요한 계시록 3장 5절이에요. 5절. 예, 5절. Revelation chapter 3 verse 5. Revelation chapter 3 verse 5. 루카스파 3 바 5 아이트. Revelation chapter 3 verse 5. जो हमारी बाए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। आमीन आमीन आमेन입니다. 아멘. 여러분 분명히 성경에는 생명책이라고 말씀하고 있어요. 여기 पे हम देखते हैं कि ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जिनका किताबे हयात में नाम पहले से मौजूद है. 여러분 모세, 다윗, 다니엘, 말라기, 바울, 요한 이 모든 사람들은 아주 믿음이 좋았던 사람이에요. 여러분 मूसा से लेकर आखिर तक हम देखते हैं या ना अरफ के मकाशफ तक, इनका ईमान जो बहुत मजबूत था। और वो ये जानते थे कि खुदा हमारे साथ है और उसका कलाम हमेशा हमारे साथ है। और यही वो लोग हैं जो बहुत सारे दुख और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद फिर भी खुदा के साथ जुड़े रहे। और उनकी जीत का यह मकसद था कि वो जानते थे कि हमारे नाम जो है वो किताबे हयात में मिलेंगे। और हम भी इसी तरह उनकी तरह ही है कि हमें इस बात पर ईमान रखना है कि हम भी ईमानदार हैं, हमारे नाम भी किताबे हयात में मिलेंगे। और हमें इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए, हमारा मजबूत ईमान होना चाहिए कि मैंने निजात हासिल कर ली। 나의 죄를 회개하고 내가 예수 그리스도를 영접했다는 확신이 분명히 있어야 돼. और हमें इस बात पर ईमान रखना चाहिए, यकीन दहानी होनी चाहिए कि मसीह ने हमारे गुनाह माफ कर दिए हैं और उसकी निजात मेरे पास है। 그리고 내가 구원받은 하나님의 자녀라는 사실에 대한 확신이 분명히 있어야 돼. और हमें इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए कि निजात हासिल करने के बाद हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए। 우리가 지금 우리의 몸을 이 땅을 지금 밟고 살아가고 있지만 언젠가 나의 영혼은 천국에 갈 것이라는 걸 확신을 가지고 사셔야 돼요. 이제 और आज हमने खुदा की निजात को मसीह के तौर पे हासिल कर लिया, लेकिन हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि एक दिन हमने इस दुनिया से चले जाना है और खुदा की हजूरी में रहना। 나의 이름이 영원한 하나님의 나라 그 천국에 생명책에 기록된 것을 확실하고 믿으셔야 돼. और हमें इस बात का भी पता होना चाहिए, मान होना चाहिए कि आसमान पर जाने के बाद उस आसमानी किताब में या किताबे हयात में मेरा नाम लिखा मिलेगा। 여러분 이 구원의 확신을 절대 흔들리시면 안 돼요. और ये जो
निजात की जो यकीन दहानी है आपने कभी भी इसे डावाडोल नहीं होना। अरे मेरा फून बच्ची तो मुठा को फूने का हक्षिण तो हमने होती है धारण सारा में के यीशु ने मेरे को फून बाद रखा है सीखे से। मैं कैसे दूसरे लोगों के इस बारे में बता सकता हूँ जब मेरा ही ईमान डावाडोल होगा। अरे देगा हनानी में सारे को तो गुरु का हनानी में नाम हम क्या शिव को गुरु में सो कि सारा मेरे के हनानी में सारे बाद रखा होती है सीखे से। कैसे मैं दूसरे लोगों को बता सकता हूँ कि खुदा मेरे साथ है जबकि मैं खुद ईमान नहीं रखता। आज जो भी कलाम से हमने देखा है सीखा है उसको दोबारा एक बार हम रिपीट करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक था वो ये था कि मैं आसमानी शनाख्त रखने वाला इंसान हूँ। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्नत और जहन्नम ये लाजमी मौजूद है। और जहन्नम में वो लोग जाते हैं जिन्होंने गुनाह में शैतान के पीछे चल के अपनी जिंदगी गुजारी है। और वही लोग जहन्नम में जाते हैं जो गुनाह करते हैं जिन जो अपने काम ठीक नहीं करते। यहाँ पे हम देखते हैं जो लोग खुदा की हजूरी से दूर हो जाते हैं वो जिस्मानी परेशानियों से ज़हनी परेशानियों सब रोजमर्रा की परेशानियों से अपने जिस्म को और ज्यादा तकलीफ दे के अपने बच्चों को भी अपने साथ लेके जानने में जाते हैं। लेकिन हमने यीशु मसीह पर ईमान लाकर निजात हासिल की है। निजात हासिल करने का मतलब यह है कि मेरे माजी के गुनाह भी सारे मिट गए हैं। निजात हासिल करने का मतलब यह है कि मेरे हाल के गुनाह भी सारे माफ हो गए हैं। और निजात हासिल करने का मतलब यह है कि मैं लाजमी खुदा की बादशाही में दाखिल होऊंगा मसीह पर ईमान लाते हुए। ये जो निजात है हमें सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से ही मिल सकती है। और निजात तब भी हमें मिल सकती है जब हम पूरे तौर पर मसीह पर ईमान लाते हैं। और जब हम उसको कबूल कर लेते हैं तो तभी वो हमें अपने फर्जंद होने का हक भी बख्शता है। और
और जब हम उसके फरजंद बनते हैं बन जाते हैं तो तब भी हमारे नाम जो किताबे हयात में मिलते हैं। 여러분 이것은 성경에 기록되어 있는 모세나 다윗이나 다니엘 등 여러 사람도 이 생명책을 믿고 살았어요. और जितने भी लोग हैं सब भी खुदा के इस पाक कलाम पर ईमान रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारते थे। 여러분 우리도 이 내 이름이 생명책에 기록됐다는 걸 믿고 우리는 살아가야 됩니다. और हमें भी इस बात पर ईमान रखना चाहिए कि किताबे हयात में हमारे भी नाम लिखे हुए हैं। 여러분 예수를 믿는다는 것은 이 땅을 바라보고 사는 것이 아니라 하나님의 나라 천국을 바라보고 사는 것입니다. 예수 मसीह पर ईमान लाने का मतलब यह नहीं कि हम इन दुनियावी चीजों की तरफ देखते हुए अपनी जिंदगी गुजारे बल्कि हमने आसमानी जिंदगी को देखते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है। 그런데 너무나도 많은 교회 다니시는 분들은 하나님 나라는 상관없고 이 땅만 바라보고 사는 사람이 너무 많습니다. आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इन दुनियावी चीजों को देखते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं ना कि आसमानी चीजों को देखते हुए। 여러분 하나님은 그런 삶을 원하지 않습니다. 그다음 ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। 여러분 영원한 천국을 소망하고 사십시오. हमेशा आप आसमानी जिंदगी की ख्वाहिश रखें। 그리고 천국에서 물론 주님이 우리와 함께 하시지만 주님을 만날 날을 소망하고 사십시오. 하메샤 इस बात पर ईमान रखें कि एक दिन हमने अपने प्यारे यीशु मसीह से मिलना है। 그리고 주님이 기뻐하시는 전도자의 삶을 사시고 상급과 면류관을 받으시길 바랍니다. 하메샤 इस बात पर ईमान रखें कि वो गुनहगारों को चुनता है और उन्हें खुशियां बख्शता है और उन्हें अपने आसमान की बादशाही अता फरमाता है। 여러분 이 땅에서 부귀 영화를 누려봤자 100년도 살 수 없습니다. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने कब इस जहान से चले जाना है हमें खुद पता नहीं है। 그러나 천국의 시간은 영원합니다. लेकिन वो आखिरी वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है। 우리 인간은 영이 있기 때문에 영원히 살죠. क्योंकि खुदा ने अपना रूह हमें बख्शा है इसलिए हम कह सकते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी जिएंगे। 제가 지금 우리 인간의 영원한 그 시간을 이렇게 선으로 이렇게 쫙 표시한다고 표시했습니다. मैंने यहां पे एक लाइन बनाकर दिखाई आपको कि मैं इतनी जिंदगी जीऊंगा यहां से लेके यहां तक। 우리는 영원히 사는 거예요. 영원히 살아요. इसका मतलब यह है कि ये हमेशा की जिंदगी हम जी रहे हैं हमेशा की जिंदगी क्योंकि हमारे पास है। 그곳이 천국이든 지옥이든 영원히 사는 겁니다. इसका मतलब यह नहीं कि हमने जहन्नम में जाना है बल्कि हमारा ईमान है कि हमारे पास हमेशा की जिंदगी है। 예수를 믿지 않는 사람은 지옥에서 영원히 살아요. क्योंकि जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो हमेशा तक जिंदा रहेंगे। 예수를 믿는 우리는 천국에서 영원히 살아요. हम हमेशा खुदा के साथ जिंदगी गुजारेंगे क्योंकि हम मसीह पर ईमान रखते हैं। 그런데 천국과 지옥의 영원한 삶은 이 땅에서 결정이 되는 거예요. और इस चीज का फैसला हमने इस जमीन पर जिंदगी गुजारते हुए करना है कि हमने जहन्नम में जाना है या जन्नत में। 여러분 제가 우리의 영원의 삶을 제가 줄로 쫙 이렇게 걷다고 했습니다. यहाँ पे एक लाइन मैंने खींची और आपको बताया कि हमने हमेशा तक जिंदा रहना है। ये उरी यमोनान शिगानिराको सेंगाके बोसेयो जुरी। ये आप फॉर एग्जांपल सोचें कि ये हमेशा की जिंदगी है हमारी जो लाइन मैंने बनाई है। 그러면 이 영원이라는 시간 속에 100년도 안 되는 우리의 육신을 가지고 있는 우리의 인생은 이 줄에 얼마를 체크를 해야 될까요? 세상하지만 목사님 예 다시 말씀하세요. 예, 예. 이 영원한 시간이라는 줄에
100년도 안 되는 이 땅에서의 우리의 삶을 여기 체크하면 얼마나 체크해야 될까요? 이제 ये जो लाइन मैंने खींची है समझने के 100 साल है और 100 साल के दरमियान हम थोड़ी देर रुक भी सकते हैं। 여러분 아마도 좀 하나 찍으면 될 겁니다. यहां पे एक लम्हा के लिए हम कह देते हैं कि रुके हैं। 여러분 그만큼 우리의 이 땅의 삶은 너무너무 짧아요. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी बहुत ही छोटी है। 그리고 우리의 영원한 삶은 너무너무 길입니다. 영원합니다. लेकिन जो हमारी हमेशा की जिंदगी है वो अबद तक है वो कभी खत्म ना होने वाली है। 그런데 많은 세상의 사람 이 좀도 안 되는 이 인생을 하나님이 아닌 마귀 따라 세상 따라 죄 따라 살아가는 거예요. लेकिन हमारी जो छोटी सी जिंदगी है जिसके बारे में डॉट मैंने बना के दिखाई छोटी जिंदगी है और इसको हम शैतान के पीछे लग के गुजार रहे हैं।여러분 예수 믿는 우리는 그렇게 살면 안 돼요. लेकिन मसीह चाहता है कि हम अपनी जिंदगी ऐसे ना गुजारें शैतान के पीछे ना गुजारें। 여러분 이 정도 안 되는 이 땅의 인생을 하나님을 위해 살아가시길 바래요. हमारी जिंदगी चाहे एक लम्हा के लिए क्यों ना हो हमें अपनी जिंदगी खुदा के लिए गुजारनी है। 그러기 때문에 우리가 신학생이 되고 주의 종이 되고 목사가 된 건 하나님의 축복이라는 거예요. 예, खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आज आप उसके तालेबिलम बने हुए हैं उसके खादम बने हुए हैं आप पास्टर्स बने हुए हैं। 여러분 우리가 오늘 3시간 동안 하나님의 말씀을 들었습니다. आज हमने 3 घंटे खुदा के पाक कलाम को सुना और इन 3 घंटों में खुदा जो हमें बरकत दे रहा हमें खुशियां दे रहा है और हमें वो बता रहा है कि हमें कैसे उसके बादशाहत में दाखिल होना है। 하지만 세상의 사람들은 우리가 이렇게 말씀 듣는 시간에 세상적으로 먹고 놀고 즐기고 있겠죠. और इस दुनिया में रहते हुए हम खाते हैं पीते हैं और असली खुशी जिंदगी गुजारना चाहते हैं और ये कोई खास वक्त नहीं है आपके लिए कि आप ये सब कुछ करें और इस दुनिया से चले जाएं। 여러분 그러기 때문에 전도자 바울은 자신의 모든 것을 배설물로 여기고 오직 예수 그리스도를 위해 살았다고 말해요. इसलिए पौलुस रसूल अपने कलाम में फरमाता है कि मैंने अपना सब कुछ खुदा के आगे रख दिया और मैं सिर्फ खुद मसीह के लिए अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप खुदा के बहुत ही कीमती लोग हैं। वो इसलिए आपको कहता हूँ क्योंकि आप मसीह के उस राज को जान चुके हैं जो बाइबल कलाम में उसका ये किमिल अल्गो संदामियो 정말로 예수님을 위해 정말로 복음을 위해 사시길 바랍니다. अगर हम भी इस राज को अच्छे से जान लेते हैं तो हम भी खुदा के पाक कलाम के वसीला से दुनिया में जिंदगी गुजारने वाले लोग बन जाते हैं। 저는 항상 생각합니다. मैं भी हमेशा इस बारे में सोचता हूँ। 내 남은 인생이 얼마나 있을까? 메리 바키 जिंदगी कितनी होगी? 항상 저는 제 남은 시간을 생각하면서 하나님의 나라를 위해 살기를 간절히 기도합니다. 내 ये भी सोचता हूं कि मेरी जितनी भी जिंदगी होगी मैं हमेशा खुदा के लिए अपनी जिंदगी गुजारूंगा। 왜냐면 그것만이 영원히 남는 축복이기 때문에 그러니까 क्योंकि वही मेरे लिए हमेशा की जिंदगी है। 우리 사랑하는 모든 신학생 여러분들, 모든 사역자분들과 모든 동역자 여러분들, 우리의 남은 인생을 천국 갈 때까지 하나님의 나라를 위해 사시기를 그리스도의 이름으로 축복하겠습니다. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे भाइयों मेरे पास्टर्स और जो तर्जमा करने वाले हैं मेरे भाई मैं सबको कहता हूं कि अपनी बाकी जिंदगी खुदा की खुशी हासिल करने के लिए गुजारें। और अभी हम दुआ करेंगे। ऐ खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं। यीशु 그리스도의 은혜로 구원받아 천국 가게 하시니 감사합니다.
और आज तेरे पाकलाम के वसीला से हमने सीखा है कि यीशु मसीह के वसीला से तूने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया और हमें जहन्नम में जाने से रोका। और नए इरमी संगुगे संग्योचिंगे गिरुक्तें गजल मिस्मिदा। और मेरा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और इसेनन सो मानन पुरुषिंजादर हनानिमल तानान सरामदरेगे ये येसुरुल चिंगोएसो हनानिमे नारागा सेवशिगिल उरीगा किदोहागो चंदोहागेस्मिदा। और इस वक्त हम दुआ करते हैं कि हमें भी उन लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर जो कि तेरी हजूरी से दूर चले गए हैं, ताकि हम उन्हें भी तेरे करीब ला सकें और वो भी तेरी बादशाही में दाखिल हो सके। खास तौर पर अपने बाबूपुरा इंडिया के बाबूपुरा के लोगों के लिए और कराची के लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो इस वक्त तेरी हजूरी में मौजूद है। 정말 인도와 파키스탄을 살릴 제자가 이 신학교 현장에 나오기를 간절히 기도합니다. और मैं दुआ करता हूं कि तू अपने लोगों की मदद कर, हिफाजत कर। 이 모든 사역에 함께 하시는 우리 목사님들과 선교사님들에게 축복을 더하여 주시옵소서. और इस सारे वक्त में तू हमारे साथ रहा और तेरे लोगों के लिए दुआ चाहता हूं, तो उनको भी और ज्यादा बरकत दे। 우리 통역하시는 존슨 전사님에게도 하나님의 은혜와 축복이 넘치게 하여 주시옵소서. और जॉनसन के लिए जो तेरे पाक कलाम का तर्जुमा कर रहा है उसको और ज्यादा अक्ल और दानाई अता फरमा, बरकत अता फरमा। 내일도 건강한 모습으로 만날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. कल भी एक सेहतमंद जिंदगी के साथ तू हमारे रहनुमाई करना। 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 예수 मसीह के नाम में ये सारी दुआ मांगते हैं। आमेन।예, 네. 목사님. 예, 감사합니다. 예, 축도 하고 마치죠, 목사님. 아, 축도할까요? 네. 예, 예, 축하. 아비, 뭐, 베네딕션 된 게지. 베네딕션. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와. 예수 왔다, 우리 구담 예수 모시가 파절. 자기 아들을 내어 주기까지 우리를 사랑하신 그 하나님의 크신 사랑과. 파크루키 파카토 샤라카트. 우리와 언제나 함께 하시는 성령 내시고 또 충만 역사하심이 바크루조 함께 हमारे साथ रहता है उसके वसीला से 하나님의 나라를 세워가는 모든 사역자 위에 영원토록 함께 계실지어다. और वो लोग जो तेरे पाक हजूर में दाखिल होने वाले हैं उनके साथ अब से लेकर हमेशा तक आमीन। 감사합니다. 예, 오늘 마치고 예, 다음 주 아, 네, 내일이죠? 네, 내일 만나겠습니다. 네. 예, 내일 만나겠습니다. 내일 만나겠습니다. 예, 네, 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 네. 감사합니다. 바이바이. 네. 네, 바이바이. 조선님 고생하셨습니다.